नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक खास चीज के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये मोबाइल है और ये देख रहे बॉक्स में कुछ है। दोस्तों इस बॉक्स में क्या है? बॉक्स में ऐसा चीज है, अगर आपका फोन जो भी है, आप कैमरा इस्तेमाल करते हैं, Redmi Note 4 है, अगर आपका फोन में कैमरा है और आप कैमरा को मैग्नीफाइंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर जूम करना चाहते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपका फट जा रहा है। तो इसीलिए एक सोल्यूशन लाया गया है एक लेंस से, जिसके साथ साथ मैं मोबाइल को कनेक्ट करूंगा और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसका कैसे काम करते हैं हम उसको दिखाएंगे। ये देखिए मोबाइल फोन टेलीस्कोप, इसको कहते हैं मोबाइल फोन टेलीस्कोप। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है, नॉर्मल पैकेजिंग की तरह ही है। एंजॉय ब्यूटीफुल नेचर व्यू बर्ड्स वॉच स्पोर्ट्स, जो भी है आप इसको कर सकते हैं। इस तरीके का दिखता है दोस्तों। इसके अंदर हम देखेंगे, देखिए मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है जो भी इस तरीके से दिखता है। तो देखते हैं फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं क्या है इसके अंदर। कुछ चीजें हैं देख लीजिएगा। ये देखिए माउंट करने के लिए है, स्टैंड दिया गया है, शायद ऐसा कुछ है। मैं इसको दिखाऊंगा आपको कैसे इस्तेमाल करते हैं कुछ भी। और उसके साथ साथ देखिए ये हो गया आपका मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए, शायद ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और देख लेते हैं, ये कुछ बेल्ट जैसा है, इसको निकालते हैं। ये देखिए ये बेल्ट जैसा कुछ है, शायद आपको आप अगर कहीं पर भी कुछ भी कनेक्ट करेंगे, कुछ भी होगा आपका, तो बेल्ट का जरूरत पड़ेगा, शायद ऐसा कुछ होगा। धीरे धीरे हम बताएंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये जो चीज है यही मेन चीज है, इसके अंदर ही लेंस है। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए इसको आप कुछ भी साफ करने के लिए आपको एक दिया गया है, आप इसी तरीके से इसको साफ कर सकते हैं। और ये जो देखिए मेन लेंस है, मैं इसको निकाल रहा हूं। अच्छा ये देखिए ये नेल्स बिल्कुल इस तरीके का दिखता है। ये देखिए आप यहां से बिल्कुल DSLR जैसा आपको उपलब्धि होगा कि किस तरीके से आप इसको जूम कर सकते हैं, कुछ भी आप फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको इस्तेमाल करके दिखाएंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये चारों चीजें दिया गया है, ये देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आपको ये तो पता ही है, आपको यहाँ पर कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं, जो भी है फैसिलिटीज आप यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ये देखिए आपका जो ये लेंस है, आप लेंस को आपको यहाँ पर फिट करना होगा। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ इसको, ऐसे ठीक से आपको पकड़ना होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये देखिए लग गया है, ये देखिए बिल्कुल फिट हो गया है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ साथ इसको मोबाइल में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए मोबाइल के लिए आपको जितना साइज का आपका मोबाइल होगा, इसीलिए ये फैसिलिटीज दिया गया है, आप इसको ठीक से इस्तेमाल कर पाए। लेकिन उससे पहले, मोबाइल कनेक्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मोबाइल का माउंट करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये माउंट दिया गया है, आप इसको स्टैंड ऐसे करेंगे फिर आप यहां पर इसको माउंट कर सकते हैं। तो मेरे को अभी माउंट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं दिखा रहा हूं डायरेक्ट मोबाइल कैसे कनेक्ट करते हैं, मैं वही आपको दिखा दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए मैं यहां पर मोबाइल को रखूंगा। देखिए पहले आप देख लीजिएगा आपका कोई भी पावर का बटन या फिर आपका जो भी वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन, ये लॉक ना हो जाए, आपको ध्यान देना होगा। आपको पहले ये देखिए मैं यहां पर सेट कर दिया हूं। देखिए मेरा पावर का बटन शायद यहाँ पर लग गया है, अब मैं इसको ठीक कर देना हूं। अब देखिए यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से देखना होगा कि ऐसी जगह पर सेट करना होगा। देखिए ये है हमारा कैमरा का लेंस और ये मेरा एक्सटर्नल लेंस है, तो मैं इंटरनल लेंस को एक्सटर्नल से कैसे कनेक्ट करूंगा, बिल्कुल आपको यही पर इसको सेट करना होगा। ये देखिए एकदम यहाँ पर सेट करना होगा, फिर आपको यहाँ पर लॉक कर देना होगा इसको आराम से। ये देखिए पहली बार करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा, बार बार कोशिश करने के बाद ये कंप्लीट हो पाएगा। और होने के बाद आपको कैमरा ऑन करना होगा। अब देखिएगा बिल्कुल ब्लैक आ रहा है, मतलब ठीक तरीके से सेट नहीं हुआ, तो मैं इसको हिला रहा हूँ। देखिए ये देखिए दोस्तों आपको कहीं पर भी इसको ठीक तरीके से सेट करना होगा, आपका जो भी लेंस है आपको यहाँ पर ही कनेक्ट करना होगा। अगर कनेक्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर पिक्चर दिखेगा, जो भी है आप इसको ठीक से देख सकते हैं कैसे कनेक्ट हो पा रहा है। फिर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर कनेक्ट हो जाए तो फिर आप इसको
आराम से लॉक कर सकते हैं, फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो ये माउंट भी कर सकते हैं, जो भी है माउंट का जो फैसिलिटीज है आप इस तरीके से इसको रख करके फिर कैमरा को सेट कर सकते हैं। ये देखिए लॉक हो गया है, इसको सेट करना होगा, मैं इसको लॉक कर दे रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, फिर आप अपने से सेट कर लीजिएगा। ये देखिए एकदम पैकेज पूरा रेडी है, दिखेगा एकदम DSLR की तरह, आप साइड से पूरा एकदम इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो भी है उस साइड में भी आप यहां से लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, क्या जूम हो रहा है ऐसा कुछ हो रहा है, ये लेंस भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मोबाइल फोन बिल्कुल सेमी DSLR की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।